इटावा ईश्वरीपुरा चौराहे पर 1984 से बनी स्टेट बैंक शाखा ददोरा स्थानांतरण को लेकर लगभग 38,000 खाता धारकों ने जोरदार प्रदर्शन कर डीएम से बैंक को रुकवाने की मांग की है। स्टेट बैंक शाखा ददोरा को लवेदी स्टेट बैंक में स्थानांतरण किया जा रहा है, जिसे क्षेत्रीय खाता धारकों में रोष है। जहां बैंक को स्थानांतरण किया जा रहा है, वहां क्षेत्रीय खाता धारकों को लगभग 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जिसे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शाखा ददोरा बैंक पर पहुंचे जब्बर सिंह लोधी, जिला पंचायत सदस्य सचिन राजपूत, विमल राजपूत, प्रताप राजपूत, अमर सिंह, ज्ञान सिंह, राजवीर सिंह, प्रदीप राजू, कई खाता धारक मौजूद रहे। गुस्साए खाताधारकों ने ऐलान किया है कि बैंक को स्थानांतरण किया गया तो हाईवे जाम करेंगे। 10 किलोमीटर दूर है लवेदी बैंक। आज जिस तरीके से आप लोग यहां ददोरा स्टेट बैंक पे आज आप सभी लोग आए हैं, तो क्या वजह है आप लोगों की? यहां ददोरा बैंक के आने का मुख्य कारण है चिलचिलाती धूप में जो हमारी माताएं बहनें जो परेशान हुई है, वो यहाँ का बैंक घटने का मुख्य कारण मालूम हुआ है और बताया गया है। और यहाँ से यार बैंक घट रही है तो हमारे इस क्षेत्र के असाध बुजुर्ग माताएं बहनें अगर किसी तरह जो बैंक चली जाती है और ये माताएं बहनें वहाँ तक जाती हैं और अपना किसी तरह से पैसा निकाल के लाती हैं, बिल्कुल एंट्री ले लिया है, वो क्षेत्र पड़ता है इन माताओं बहनों के लिए आने जाने में बड़ी दिक्कत हो गई। मुख्य तौर पर जो हमारे असाध बुजुर्ग और महिलाएँ या भाई बुजुर्ग हैं उनको आने जाने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ेगी, लिहाजा इस बैंक के स्थानांतरण होने से इस क्षेत्र में बहेद में आपका। अच्छा, आज जो जिस तरीके से आप लोग बैंक पे आए हैं तो क्या समस्या है आप लोगों की? बड़े दुखी हैं, बैंक यहाँ से जा रही है। अच्छा, हम लोग बहुत परेशान होंगे, बहुत दूर है यहाँ से, कोई सवारी नहीं है, हम लोग कैसे जाओ करें, बहुएं बेटियाँ पैसा छीन लिया कोई बीच में, बहुत हम दुखी हैं, हम लोग सब कर करके परेशान हैं, सुनाई में आई तब से, इसीलिए हम लोग आए हैं, बहुत हम परेशान हैं। तो लगभग कितनी दूरी से यहाँ से बैंक जा रही है आपकी? यहाँ से 10-11 किलोमीटर जा रही है यहाँ से। हम लोग कैसे पहुँच जाओगे? अकेली आ जाते हैं, यहाँ से निकाल ले जाते हैं, वहाँ थोड़ी पहुँच जाओगे, हाँ कोई साधन नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।